दूरियां तो खत्म हो जाती है, दोनों एक दूसरे के करीब बहुत नजदीक आ जाते हैं, लेकिन अब मुश्किलें जो बढ़ जाती है क्योंकि जो अनिरुद्ध की अपेक्षाएं होती है जनक से वो इससे बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि इसका ये सवाल कि क्या मेरी मौत हो जाएगी तो जनक तुम मुझे महसूस कर पाओगी, मुझे याद करोगी, तो इसके कारण जो जवाब उसे सुनने को मिलता है ना, ये समझ जाता है कि जनक के दिल में मेरे लिए क्या है और वो क्या फील करती है। और बस गुड लोग यहाँ से स्टोरी डाइवर्ट हो जाती है तो बवाल भी होता है, क्योंकि जब ये रेस्टोरेंट में होते हैं तो ये तो पूछ देता है कि तुम क्या बोलकर घर से आई हो, तो झूठ बोल के आई होती है। अब इसने ही तो बताया था ना कि तुम झूठ बोलते, हालांकि अब अनिरुद्ध ये जानना चाहता है कि जनक वापस कब आएगी, लेकिन जब उसका जवाब वो नहीं देती और वो ये बोल देती है कि वो कभी भी तेजस के सामने सरेंडर नहीं करेगी अगर उसकी जान भी चली जाती है तो भी, अब वापस तो आना लगभग नामुमकिन है। अब इस बात को सुनने के बाद में अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगता है कि जनक वापस आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं जो इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ ये सब तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये बोल देता है कि एक बात बताओ, क्या मेरी मौत से तुम्हें फर्क पड़ेगा अगर मैं मर जाऊं तो? ये बातें सुनने के बाद में ना जनक को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत गुस्सा भी होती है और वो ये बोल देती है कि अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? लेकिन अब तो वो भड़क जाती है, हालांकि रेस्टोरेंट वाले भी बार बार बोल रहे थे कि सर जल्दी से खाना खाओ और जाओ क्योंकि साइक्लोन आ रहा है, हमें रेस्टोरेंट को बंद करना है। अब अनिरुद्ध की बर्थडे पार्टी है तो घर में भी तमाशा नेक्स्ट लेवल हो रहा होता है, क्योंकि घर वालों को बिपाशा के थ्रू ये सारी बातें पता चल जाती है कि जनक तो शाम को ही निकली है किताब खरीदने के लिए और वो भी तो घर नहीं आई है ना, अनिरुद्ध का भी फोन नहीं लग रहा होता है। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं और इनके मन में जो तरह तरह के सवाल चलने लगते हैं इसमें मेन पॉइंट जनक को ही बना दिया जाता है। और हाँ, अब ऐसा दिखाया जाता है कि जनक अनिरुद्ध के साथ में है और हो सकता है कि वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन जब अनिरुद्ध के सामने अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है और अब अपने दिल की बातों को करने लगता है कि देखो यार मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ और तुम बस मुझसे झगड़ा करती हो, कभी तुम ये भी तो देखो तुम्हारे लिए मैं कितना चिंता करता हूँ। लेकिन जब यहाँ से निकलते हैं तो पता चलता है कि जिस रास्ते से जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, ये एक ऐसे आश्रम में चले जाते हैं जहाँ समझो कि कोई नहीं रहता। यहाँ पे आने के बाद में आग जलाते हैं, ये दोनों ही अपने कपड़े को सुखाते हैं, अनिरुद्ध थोड़ी मदद कर देता है उसके कपड़े को सुखाने में और फाइनली वो भी मदद करती है इसके कपड़े को सुखाने में, हालांकि जब जब बिजली कड़कती है इसकी तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है और ये जोर जोर से अनिरुद्ध के कंधे लग करके समझो कि अब डरने लगती है, रोने लगती है। वैसे ये तो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंच नहीं पाता और वहाँ पे लोग बस खून की घूट पी करके रह जाते हैं, बहुत गुस्सा भी होते हैं कि जनक को आने दो, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगी। और अब बिपाशा भी पूरी फैसला कर लेती है अब जनक लंका लगानी है, तो गुड लो बवाल तो होगा, मजा भी आएगा। एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे, प्लॉट थोड़े कम है लेकिन फिर भी ये मजेदार है।